ये रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ से लोग रस्सी के ज़रिए क्लाइंब कर रहे हैं। ये बहुत ही एक्सट्रीम है और बहुत ही डेंजरस है। आई डू नॉट रिकमेंड। फैसल कैसा है? ठंडा है पानी? Hey guys, good morning and welcome back to the channel. Right now it's 11 am in the morning और मैं और फैसल राइड के लिए निकले थे सुबह 9 बजे। इस्लामाबाद से हम निकले थे, उसके बाद जो है हमने नाश्ता वगैरह किया। पीर सोहावा क्रॉस करने के बाद बीच में हम स्टॉप करते करते आए और आज हम जा रहे हैं अम्ब्रेला वाटरफॉल की तरफ जो कि सज्जी कोट के पास है। तो अभी मैंने कहा चलो यहाँ से व्लॉग स्टार्ट करते हैं और अभी हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। तकरीबन 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया और स्टिल 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस और है। सो लुक एट द ब्यूटीफुल सीन्स बिहाइंड मी। सारी जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल नई हुई है, ये रोड बिल्कुल न्यूली बिल्ड किया है इन्होंने और बहुत ही अच्छे, वो वाले सामने वाले पहाड़ बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। सारे ये हरीपुर रीजन के अंदर हैं हम। एंड लुक एट दिस सीन। बाइक्स भी दिखा देता हूँ आपको। पहले तो मिलते हैं ना फैसल से। इधर आ भाई, इतने अरसे बाद फाइनली शादी होने के बाद बंदा 2 साल गायब रहा है, किसी टूर में नहीं आया, हमेशा गोली दिया है इसने, लेकिन आज पता नहीं क्या लगता आप दिल भर गया इसका। तो आज फाइनली जो है ये आ गया और इसने खुद ही बोला है, मुझे हैरत हो रही है, हालांकि मैं तो गोली समझ रहा था बट फाइनली आज आ गया। काफ़ी दिनों बाद आप इसको व्लॉग में देख रहे हो। वेल दिस इज़ द टाइगर और ये रही फैसल की जीएस और इंटरकॉम से जो है हम कनेक्टेड हैं आपस में, तो इसलिए आज राइड का ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा जो डिस्टेंस है एज़ पर गूगल तकरीबन 32 किलोमीटर्स और गूगल कह रहा है कि 1.5 घंटा लगेगा। सेम इसी रोड पे ही हमने जाना है। आगे जबरी क्रॉस करने के बाद जो है कहीं से हमें टर्न लेना है, तो मैप को फॉलो कर रहे हैं। लेट्स सी, जो भी है आपको रास्ते में दिखाता हूँ। स्टे विद मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सो गाइस वो रोड जा रही है सारी और ये सारा का सारा बिल्कुल न्यू कंस्ट्रक्शन हुई है। यार ज़बरदस्त रोड बन गई है भाई, बेहतरीन यार। पहले जब आए थे तो ये सारा टूटा फूटा यहाँ पे, और यहाँ पे सिंगल रोड थी, तब क्रॉसिंग में थोड़ा मतलब एक गाड़ी नीचे उतरती थी ना। अभी तो अच्छा खासा इन्होंने वाइड कर दिया है। हाँ सो मौसम बहुत ज़बरदस्त है। सुबह सुबह तो जब घर से निकले ठंड थी, ग्लव्स वगैरह मैंने पहने हुए थे, बाद में मुझे गर्मी फील हो रही थी, तो अभी वेंट्स भी जो है मैंने जैकेट के खोले हुए हैं ताकि थोड़ी थोड़ी हवा आती रहे, बिकॉज थोड़ा सा गर्मी फील हो रही है। लेकिन अच्छा है मौसम यार, साए में आओ तो ठंड लगती है और धूप में जाओ तो थोड़ा सा। 32 किलोमीटर्स फ्राम हेयर, जिस पे अकॉर्डिंग टू गूगल 1 घंटा 20 मिनट दिखा रहा है। फैसल फैसल शुक्र कर तू चीते से बच गया। आप निकल आए ना, अभी तक तो चीता नहीं है ना, उधर ही था। चीता कहीं में भी आ सकता है यार, इधर भी हो सकता है। कसम से आज सही बात है यार, तू जिस तरह चीता तूने लगाई हुई थी ना, चीता सैर करते करते इधर आ गया। सो तारीफ क्या की रोड की, रोड की हालत ही ख़राब हो गई फैसल। धोखा दे दिया यार, हर बंदा जंप किधर बना दिए यार बीच में। ज़्यादा तारीफ कर दी थी रोड की। हाँ नहीं यार वापस पक्का हो गए। अच्छा तो थोड़ा सा क्रैश था ये मेरे ख्याल में। यहाँ से वो ऊपर से पानी जो आ रहा है ना, यहाँ पे वो कंक्रीट वाला शायद बना है क्योंकि पहाड़ से पानी आ रहा था ना। किसी जो स्लोप बनाते हैं उससे। हाँ चलो जबरी आने वाला है। हाँ आसार नजर आ रहे हैं यार। लुक एट दैट टॉप, वो वहाँ पे तो टावर्स लगी हुई है फैसल, सोच क्या व्यू होगा यार यहाँ से। अगर बंदा वहाँ टॉप पे हो, दोनों तरफ क्या नज़ारा होगा। ये सामने जबरी आ गए नीचे, वही कह रहा हूं जबरी आ गए, पानी आ गए। बड़े जल्दी पहुँच गए यार, बातों बातों में जबरी पहुँच गए हम। सो गाइस वो फैसल जा रहा है इस बाइक से आगे दूर, तकरीबन हमारे दरमियान डिस्टेंस होगा 700-800 मीटर्स एंड वी आर कनेक्टेड थ्रू इंटरकॉम। सो अभी अगर कोई लोग देख के वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है और वो पूछे कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आई डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ इंटरकॉम डिवाइस के बारे में, जो डिटेल हमारा व्लॉग है आप वो देख सकते हैं। क्योंकि कमेंट्स में मैं इतनी डिटेल से आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, तो ऑलरेडी वीडियो बनी है, यू गाइस कैन चेक इट आउट। हाँ 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 ये मस्त आया फैसल, बेहतरीन ट्रैक, बेहतरीन। सो दैट इज़ द जबरी ब्रिज गाइस, उस पर भी काफ़ी सारे व्लॉग्स हैं, बहुत सारे टूर्स किए हैं, तो उसके व्लॉग्स भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। सो नीचे बाइक भी वॉश हो रही है। हाँ हाँ हमने भी बाइक वॉश की थी यार फर्स्ट टूर में, पागलों की तरह हम भी शुरू हुए थे। हाँ इसकी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है क्योंकि ये इसकी हालत तो ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। और इस टाइम पानी बिल्कुल कम है दरिया के अंदर, बिकॉज अब विंटर स्टार्ट हो चुका है, बारिशें नहीं हो रही तो पानी बिल्कुल कम हो गया है, लेकिन साफ़ है। सो अभी हम जबरी क्रॉस किया हमने और सो गाइज ये हम आ गए मेन जबरी की मार्केट में। फैसल यहाँ से कुछ फ्रूट ना पकड़ लें? पकड़ लेते हैं, क्या लेते हैं, वो आगे उल्टे हाथ वाले है ना, सब्जी और फ्रूट की दुकान चाहती है, कुछ ले लेते हैं ना ताकि खाने के लिए हमारे पास कुछ हो। क्या तुमने केले ही लेने और क्या लेने तो केले के अलावा सेब वगैरह देख लेते हैं, आजकल सेब भी है ना मार्केट में। यहाँ पे जो है हमने बाइक्स को पार्क कर दी है, हेलमेट हमने लॉक कर दिए हैं, जैकेट वगैरह राइडिंग हमने अंदर रखती है। अभी का सीन ये है कि अभी हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं, मज़ीद आप बाइक्स नहीं जा सकती, यहाँ ऊपर पार्किंग आप देख रहे हैं। और कहने को कह रहे हैं कि जी 15 मिनट्स की है यहाँ से हाइक, देखते हैं कितना हम करते हैं। और यहाँ की एलिवेशन मैं आपको बता दूँ, तकरीबन 4100 फीट अबव द सी लेवल एलिवेशन है। सो गाइस टाइम हो रहा है, पूरे 1 बज चुके हैं और अभी हम नीचे की तरफ क्लाइंब डाउन कर रहे हैं। सीन बहुत ही अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है, मतलब मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी नीचे का मैंने गूगल जो का सैमसंग का जो हेल्थ सर्विस है उस पर मैंने एक्टिवेट कर दिए, तो जितना हम ट्रैवल करेंगे डिस्टेंस कैलकुलेट होगा एंड बाय द एंड मैं आपको बताऊंगा कि कितना रास्ता और एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है। एलिवेशन भी बताऊंगा कि कितनी चढ़ाई है, कितने फुट आपने क्लाइंब डाउन करना है और कितने आपने वापस आने, तो ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। स्लोली एंड स्टेडी विंस द रेस। यार अभी तक तो ट्रेल मज़े की है। इन्होंने गाँव वालों ने इसको काट के थोड़ी इसकी जो है ना स्टेयर्स बनाई हुई हैं। अभी तक तुम सही जा रहे हैं। लेट्स सी, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है सो फार वी आर गोइंग गुड। बिल्कुल इसको तो बाइक के साथ चार्ज करते हैं ना। हाँ। So look at the scene. According to Google, हमने कर लिया जनाब 0.58 किलोमीटर्स का डिस्टेंस। 1190 मीटर एलिवेशन है और हमें 12 मिनट हो चुके हैं। सो अभी वी हैव टू फर्दर क्लाइंब डाउन। यहाँ से थोड़ी सी जो है स्टीपनेस ज़्यादा है, उतरते हुए थोड़ा सा मसला आता है। और लेकिन अगर आपने शूज़ अच्छे पहने हों तो फिर इतना जो है बंदा जल्दी थकता नहीं है। सो फॉर हम कर चुके हैं 0.77 किलोमीटर्स कर चुके हैं और 15 मिनट्स हमें हो चुके हैं। और अभी हमें जाना है यहाँ से नीचे और वहाँ से उस तरफ वो जो पानी गिर रहा है उससे आगे अंदर की तरफ माउंटेन्स के वाटरफॉल्स हैं, हमने वहाँ जाना है। सो लेट्स कीप ऑन मूविंग। ये चप्पल किस लिए रखी हो अंकल? जाते हैं लोग आगे पानी तो गीले हो जाएंगे आगे वगैरह उतार के यहाँ। तो क्या ये आप किस तरह रेंट पे दे रहे हैं? ये जूते जमा करने के चप्पल पहन के 50 रुपये। सही। सो जूते तो यहाँ से गीले होने करते हैं। स्लिप करेंगे। बहुत मस्त किस्म की ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे क्योंकि वाटर क्रॉसिंग है तो बहुत ही ज़बरदस्त हवा चल रही है यहाँ पे और पानी का तो बहुत ही ज़्यादा शोर है। यहाँ तक तकरीबन 20 मिनट की हाइक है, क्लाइंब डाउन है। नीचे आते हुए हमें 20 मिनट लगे। हम बिल्कुल आराम से हैं, कोई जल्दी नहीं की और 1.2 किलोमीटर्स है। और अभी जो है सीन कि हमने आगे की तरफ जाना है वहाँ, लेकिन वहाँ का इशू ये है कि वहाँ जाने के लिए चीज़ें वगैरह जो है गीली होंगी, शूज़ वगैरह भी और बैग्स वगैरह भी, लेकिन कुछ ना कुछ करके हम वहाँ आगे की तरफ जाएँगे। सो एक चीज़ फॉर द इंफॉर्मेशन जो फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं हमारी ज़रा, तो यहाँ पे जगह जगह आपको मिस गाइड करने वाले भी बैठे हुए हैं रास्ते के लिए और गाइड करने वाले भी, जिनकी अपनी शॉप्स हैं या उन्होंने कोई ठिये वगैरह बनाए हुए हैं तो आपको गलत रास्ता गाइड करेंगे। लेकिन जो रास्ता आपको स्ट्रेट लग रहा है आप उसी पे ही आएँ। ये रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ से लोग रस्सी के ज़रिए क्लाइंब कर रहे हैं। ये बहुत ही एक्सट्रीम है और बहुत ही डेंजरस है। आई डू नॉट रिकमेंड कि यहाँ से जाया जाए, बजाय इसके कि आप उस रास्ते से जाएँ। वो इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन ये बहुत ही डेंजरस है और यहाँ से ही आपको क्लाइंब करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जगह जगह यहाँ पे बैठे हैं जो कि आपके शूज़ रख के उसके बदले में आपको चप्पल देंगे, कपड़े वगैरह भी उन्होंने रखे हुए हैं कि अगर आप गीले हो जाएं तो। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ वर्केबल है तो आप यूज़ करें, अदरवाइज़ आई डोंट थिंक सो इसकी ज़रूरत है। जब आई आप पानी की जगह पर तो फिर भीगना तो बनता है भाई, आप भीग के ही जाएँ। अभी मुझे जाना है आगे की तरफ, लेकिन आगे का सीन ये है कि वहाँ पे जाने के लिए सब कुछ गीला होगा बैग के ऊपर मैंने, आप देख सकते हैं कि मैंने कवर लगा दिया है, बट GoPro का फर्स्ट टाइम है कि मैं इसको वाटरप्रूफ टेस्ट करने लगा हूँ। अल्लाह खैर ही करे। तो कैसा डर लग रहा है, GoPro से डर लग रहा है यार, मुझे नहीं लेके जाना पानी में। सो 20 रुपीज़ आपको देने हैं अगर आपने इस सीढ़ी को यूज़ करना है, इस वाली सीढ़ी को यूज़ करने के लिए। सो फाइनली लेडर से हम नीचे आ चुके हैं और आगे का सीन तो बहुत ही ज़बरदस्त है यार। लुक एट द सीन। उफ, मैं गीला हो चुका हूँ। यहाँ पे इंजॉय कर लिया है और अभी हम यहाँ से निकलने लगे हैं। बाकी जो खाना पीना होगा जो भी, हम वहाँ ऊपर जाके बैठेंगे क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर जो है स्प्लैशेस आ रही हैं, वाटर स्प्लैशेस, और हम कंटिन्यूसली भीग रहे हैं। और फैसल ने तो काफ़ी एडवेंचर कर लिया है। वही फैसल कैसा है, ठंडा है पानी? बहरहाल इसने सही एडवेंचर किया है, पानी में नहा लिया है वाटरफॉल में, और ठंड से इसकी बुरी हालत है और सारा ही कम्प्लीटली भीग चुका है। सो नाउ इट्स द टाइम कि हम इस ब्यूटीफुल जो नज़ारा है और सीन है इस जगह को हम छोड़ के वापसी के लिए निकलेंगे, ऊपर जाके बैठते हैं और वहाँ पे जो खाना पीना है वो करते हैं सीन। तो यहाँ से छोड़ते हैं क्योंकि बहुत और लोगों ने भी पिक्चर्स लेनी है, जगह थोड़ी सी कंजेस्टेड है, तो फिर बेहतर है कि हम यहाँ से चले जाएँ क्योंकि हमने खाली टाइम में पिक्चर्स ले ली हैं। तो अभी वापसी के लिए ऊपर की तरफ चलते हैं। स्टे विद मी। Fly away to the skies, shining bright like a shadow shine. So guys, welcome back to the channel. Right now it's 3:50 और हम वापस आ चुके हैं अम्ब्रेला वाटरफॉल से। और कैसा रहा फैसल एक्सपीरियंस? ज़बरदस्त यार, मज़ा आया। तुम ज़रा शेयर करो एक्सपीरियंस अपना। शेयर यार, ज़बरदस्त मज़ा आया। बस गर्मियाँ होती तो और ज़्यादा मज़ा आता नहाने का, अभी तो ठंड लग रही है, नहा के फिर भी ये बंदा नहाया है पानी में। आपने शॉट देखा होगा और इसने कोई कसर नहीं छोड़ी, ये वाटरफॉल के नीचे भी गया है, तस्वीरें भी बनवाई हैं और अच्छा खासा नहाया है। और अभी मैं ऐसे ही बैठा हूँ और ये अपर पहन के बैठा हुआ है, ऊपर लगा के बैठा हूँ। तो बहुत इन्जॉय किया, जगह बहुत मज़े की है। अगर अब हम थोड़ा सा, अगर आप लोगों के लिए एज अ गाइड अगर हम बात करें, जाते हुए हमें 20 मिनट्स लगे हैं, हम कहीं रुके नहीं हैं। थोड़ा सा स्टीपनेस ज़्यादा है। अगर हम डिग्री वाइज बात करें तो आई वुड से कि अराउंड 65 डिग्री की जो है ना स्लोप है जिस पे आपने क्लाइम डाउन करना है। 20 मिनट्स लगे, 1.2 किलोमीटर है और 20 मिनट्स हैं जाते हुए, और वापस आते हुए तकरीबन 35 मिनट्स लगे हैं हमें। 35 मिनट्स लगे हैं, हमने बहुत कम स्टॉप लिए है। अगर रुके भी हैं तो जस्ट फॉर 1 मिनट और 30 सेकेंड, से ज़्यादा हम नहीं रुके और हम ऊपर आए हैं। तो वापसी पे 35 मिनट लगे हैं, लेकिन हाइक थोड़ी सी, अगर हम 1 to 5 की बात करें, 1 बीइंग नॉर्मल एंड 5 बीइंग एक्सट्रीम, तो आई वुड से कि 3.5 मैं कह रहा हूँ, 3 वो कह रहा है, तो तकरीबन इतनी है इसको अगर हम रेट करें तो। और बाकी व्यू वाइज, जगह वाइज अगर आप देखा जाए तो इट्स अ सुपर प्लेस, बहुत मज़ा आया। ये हाइक कुछ भी नहीं है जिस तरह का आपको व्यू मिलता है और एक अजीब सी खूबसूरती है, नेचुरल ब्यूटी है, जैसा कि आप वीडियो में देख चुके हैं। तो वीडियो तो खैर वीडियो ही होती है, लेकिन जो नेकेड आई से देखने का मज़ा है उसका अपना ही अलग ही चार्म है जो कि आप खुद इसको एंजॉय करेंगे। सो राइट नाउ अभी हम क्लाइंब करके जब ऊपर है हाइक करके तो कुछ फ्रूट्स हैं हमारे पास, वो हमने खाए हैं और अभी यहाँ से हम निकलेंगे थोड़ी देर तक, थोड़ा और रेस्ट करके और फिर लंच के लिए कहीं पर रुकते हैं। सो 4 बज चुके हैं तकरीबन और वी आर ऑल सेट टू लीव फॉर इस्लामाबाद। और अभी जो है ना लंच का सीन करना है तो वो हम रास्ते में देखते हैं, जहाँ भी हमें पॉसिबल लगा वहाँ जाएंगे। इस्लामाबाद इज़ ये 143 क्यों दिखा रहा है फैसल? ये इस तरफ से दिखा रहा है। चले वेल, जब हम रास्ते में जाएंगे तो ये ख़ुद ही न्यू डायरेक्शन ले लेगा तो फिर ये हमें रास्ता सही दिखाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। लेट्स गो। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं। कैसा रहा फैसल? यार मज़ा आया। ये हमारा एक किस्म का बड़ा शॉर्ट टाइम के अंदर जो हमने प्लान किया है यहाँ आने का, बिकॉज़ रात को मैंने फैसल से कांटेक्ट किया और मैंने कहा कि यार मैंने कल छुट्टी है तो मैंने कल राइड करनी है और मेरा ऑफ रोडिंग का दिल है। तो फिर सजेशन देते देते जो है फाइनली अम्ब्रेला वाटरफॉल हमारे जहन में कि चले इसको हम एक्सप्लोर करते हैं बिकॉज वी हैव नेवर बिन हेयर। फैसल मैं यहाँ ऊपर एक पिक्चर लूँगा यार इस बोर्ड के साथ। वापसी का सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है और अभी हम सनसेट को एंजॉय करेंगे इस रास्ते पे। फैसल बहुत अच्छा जो है ना गोल्डन आवर है और होगा आई मीन आगे जाके हाँ थोड़ा सा ड्राई हो जाए बिकॉज शूज़ जो है हमारे बूट्स बिल्कुल गीले हो चुके हैं और उनके अंदर तक पानी है। और कैन यू जस्ट बिलीव कि इस टाइम क्या हालत हो रही है पाँव की, कसम से फसल बर्फ बने हुए हैं। हाँ यस मेरे बैग में मेरे पास जूते भी पड़े हुए हैं। ओह माय गॉड, तो रुक फिर पहन ले। नहीं वो खुले वो नीचे पहन लेता पानी में। अबे यार फसल अच्छा। सन जो है बिल्कुल सेट होने वाला है। 4:40 हो गए। ओके 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 ओके। सी दिस इज द बेनिफिट। जबरी हम पहुंच गए हैं तो फैसल अब आप ही देखो यार जहाँ से हमें कुछ अच्छा मिल सके। हाँ बस उधर देखते हैं कुछ, देन हम जो है यहाँ से लंच करते हैं और फिर बाद में सफ़र का मज़ा आएगा। अभी तो सर घूम रहा है। सो लंच हो गया हमारा डन और 58 किलोमीटर्स है यहाँ से। अभी हम निकल चुके हैं, अब हमने नॉन स्टॉप जाना है। 5:10 हो रहे हैं, सनसेट हो चुका है और ठंड जो है फैसल गूगल यहाँ से 2 घंटे दिखा रहा है, 57 किलोमीटर्स है। लेकिन आई होप कि अब की बार हम गूगल को पीछे छोड़ देंगे और हम 2 घंटे से पहले ही पहुँचेंगे। सो गाइज कैसा लगा आज का व्लॉग? आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा। अम्ब्रेला वाटरफॉल को अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो ज़रूर विज़िट करें, लेकिन इसके लिए आपको हाइक करना पड़ेगा, बट द प्लेस इज़ वर्थ इट। अगर आप हाइक करते हैं तो इट्स रियली वर्थ इट। सो आज के व्लॉग को जो है यहीं पे एंड कर रहे हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू गिव इट अ थम्स अप। और अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए आए हो तो यू गाइस कैन सब्सक्राइब माय चैनल एंड टैप द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। स्टोरीज़ और पिक्चर्स के लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपके सामने आ रहा है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द नए व्लॉग के साथ मुलाकात दोबारा होगी। टिल देन राइड सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।